हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। माय नेम इज़ अंकिता अग्रवाल एंड आई एम सीएस बाय प्रोफेशन। तो यार, इस वीडियो में ना मैं आप लोगों के साथ अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूँगी, एक यूनिक एक्सपीरियंस ऑफ ग्रैंड थॉर्नटन। हो सकता है मैंने प्रीवियस वीडियो में आप लोगों के साथ कहीं ना कहीं इसका जिक्र करा हो, बट अगर नहीं भी किया है तो कोई बात नहीं। इस वीडियो में हम डिटेल बात करेंगे कि मेरा क्या एक्सपीरियंस था, क्या मैंने वहाँ पर जॉब करी है, नहीं करी है, इंटरव्यू के लिए अप्लाई किया था, क्या किया था, ये सारी चीज़ें हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में। सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, जिन लोगों को नहीं पता है कि ग्रैंड थॉर्नटन क्या है, ये एक टॉप मोस्ट फर्म है जिसमें कि जैसे आप बिग फोर सुनते हो, ये बिग फोर में तो नहीं आती, बट स्टिल इट्स अ वेरी गुड फर्म, ठीक है। सो ये बात है अराउंड 8 to 9 months पहले की, एंड मैं ऑलरेडी ना उस टाइम काम कर रही थी, उस टाइम मैं जॉब कर रही थी अपनी एक कंपनी में, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया, व्लॉग भी डाला हुआ है। एक दिन क्या हुआ था, छुट्टी वाला दिन था और मैं घर पे बैठी हुई थी, मेरे पास कॉल आता है कि ग्रैंड थॉर्नटन से कॉल है, और उस बंदे ने क्या किया था ना, उसने वहीं की वहीं इंटरव्यू करना शुरू कर दिया था, क्वेश्चंस पूछना शुरू कर दिए थे फ्रॉम कंपनी लॉ डायरेक्टर्स पोर्शन। अब एकदम से क्या होता है ना, आप प्रिपेयर्ड नहीं होते हो, कुछ नहीं होते हो, तो अगर कोई चीज़ आती भी है तो आप फंबल कर जाते हो। तो हुआ यही कि उसने अपना इंट्रोडक्शन दिया एंड ऑल, और क्वेश्चंस पूछने शुरू कर दिए, तो मैंने कुछ क्वेश्चंस के आंसर दिए, कुछ नहीं दे पाई बिकॉज आप रेडी नहीं होते हो, राइट। तो मैंने ना एकदम से क्या हुआ, कॉल डिस्कनेक्ट कर दिया, बिकॉज मैं ऐसे हो गई थी, मैंने कहा ये हुआ क्या एकदम से। फिर दोबारा वहाँ से कॉल आता है, ठीक है, एंड क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और मैं आंसर कर देती हूँ। बट बीच में क्या हुआ ना कि जब मैंने मतलब कॉल डिसकनेक्ट की थी, तो मेरे पास मैसेज आता है, टेक्स्ट मैसेज, जिसमें कि डिटेल होती है कि आई एम फ्रॉम जीटी, ग्रैंड थॉर्नटन से हूँ, मैनेजर हूँ, दिल्ली से आया था कॉल, एंड वो अपना एक ऑफिस, अपनी एक ब्रांच ऑफिस देहरादून में खोलने वाले थे, ठीक है, उत्तराखंड में, तो उसके लिए उन लोगों को CS चाहिए था। अब ये चीज़ें मुझे नहीं पता थी, या तो यार आप जब कॉल करो तो पहले बताओ ना सारी इन्फॉर्मेशन, उसके बाद बंदा जो तैयार रहेगा इंटरव्यू के लिए, सब के लिए। तो इस तरीके से हुआ। फिर मैंने ना जो मतलब उस मैसेज में ये भी लिखा हुआ था कि जब भी आप अवेलेबल हो तो आप मुझे टाइम बता दो, उसके अकॉर्डिंग मैं आप कॉल करके पूछूंगा। तो फिर मैंने शाम का टाइम दिया था, बिकॉज होता है क्या है ना कि आप तब यही बोलते हो, मैंने यही बोला कि आई एम इन ऑफिस एंड दिस एंड दिस। उस दिन छुट्टी थी, एक्चुअली मैंने छुट्टी ले रखी थी, लीव ले रखी थी किसी काम की वजह से, बट मैं घर पे थी। मैंने बोला कि मैं ऑफिस में हूँ एंड दिस एंड दिस। तो फिर शाम का टाइम दिया मैंने, अच्छा कॉल आता है, ठीक है, फिर वही क्वेश्चंस वगैरह होते हैं। तो दैट टिल दैट टाइम मैं प्रिपेयर थी कि हाँ भाई, मुझे ऐसे ऐसे आंसर देना है, और तब माइंडसेट में यही था कि यार जब इतनी बड़ी फर्म से कॉल आया है और खुद कॉल आया है, आपकी होम सिटी में आप काम कर सकते हो, सब है तो ठीक है। तो हुआ, सब बात बात हुई। अच्छा, उनका क्या था ना, उनका एक पेड कॉन्ट्रैक्ट था, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था कि आपको इतने टाइम तक काम करना ही करना है। वहाँ जाकर ना थोड़ा सा मैं डिसअग्री हो गई। बेसिक जो मेरा रीज़न था वो क्या था, आप भी जानते हो कि मेरा जो माइंडसेट था वो कभी जॉब के लिए नहीं था, मुझे अपनी प्रैक्टिस करनी थी, जो मैंने अब ऑलरेडी अपनी स्टार्ट कर चुकी हूँ मैं। अब कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे था, बीच में शादी भी थी, सब थी, तो मैंने वहाँ पर डिसअग्री कर दिया। बट कभी कभी मैं जैसे सोचती हूँ ना कि जब जैसे हम लोग परेशान रहते हैं, ये मैं आपको एक्सपीरियंस क्यों शेयर कर रही हूँ, बिकॉज आज हुआ क्या ना, मैं आपको फ्रेंकली बताती हूँ, आज मैं अपने कुछ नोट्स या कुछ डायरी, जैसे ऑफिस की डायरी होती है ना, उसको गो थ्रू कर रही थी, ऐसी देख रही थी, तो उसमें लिखा हुआ था कि इस टाइम तक मुझे ये अचीव करना है। मेरे जो टारगेट्स होते हैं ना, वो इतने लॉन्ग टर्म नहीं होते, बट मेरे शॉर्ट टर्म्स होते हैं, लाइक इन नेक्स्ट 6 months मुझे ये चीज़ें अचीव करनी है, इन नेक्स्ट टू नेक्स्ट 6 months फिर उसके बाद मुझे क्या अचीव करना है, तो ये सारी चीज़ें उसमें लिखी हुई थी। और ये मैं आपको बता रही हूँ 8 to 9 months पहले की बात, जब मैं स्टार्ट किया था जॉब, यूट्यूब सब स्टार्ट किया था, तो उसमें मेरा एक लिखा हुआ था, मैं आपको शायद स्क्रीनशॉट भी दिखा दूँ उसका, कि मोनेटाइज करना है चैनल, यूट्यूब चैनल मोनेटाइज करना है। तो हम कभी कभी जैसे परेशान हो जाते हैं ना कि यहाँ पे ना देखो, हेल्प उन्हीं की होती है, उन्हीं के रास्ते खुलते हैं, जो अपनी जो एक लाइफ है, जर्नी है, उसको एक डेडिकेशन के साथ और ऑनेस्टी के साथ, आप किसी का बुरा मत करो, किसी का बुरा मत सोचो, ठीक है, और ऑनेस्टी के साथ अपनी लाइफ जियो, अपने काम को सीरियसनेस के साथ काम करो,
तो ये चीज़ें ना अपने आप रास्ते बनते चले जाते हैं। तो मैं जब देख रही थी ना, तो एकदम से उसमें जीटी का भी था, बिकॉज जो चीज़ें होती थी वो मैं लिखती थी और आगे क्या करना है। क्योंकि जब आप करियर के जस्ट स्टार्टिंग में होती है और इतनी मेहनत के बाद आपको सीएस डिग्री मिलती है, तो आप ऑब्वियसली प्लान करके चलोगे। तो मैं वही बुक देख रही थी और मुझे एकदम से दिखा कि यार जीडी, फिर मुझे क्लिक हुआ कि यार बच्चों को ये चीज़ समझानी चाहिए और अपना एक्सपीरियंस भी आप लोगों के साथ शेयर करना चाहिए। कि जीडी का अपने आप कॉल आया था मेरे पास, ठीक है, वो तो चलो मेरा सीन नहीं बन पाया उसमें, बट कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं और मुझे काम, मेरी जो फर्स्ट जॉब थी वो भी मेरे पास खुद आई थी। फिर जीटी से कॉल मुझे आना, फिर अनअकैडमी ज्वाइन करना, ये सारी चीज़ें अपने आप फॉल होती चली गई। यहाँ पे मैं आप लोगों को सिर्फ एक यही मैसेज देना चाहती हूँ कि यार कोई भी चीज़ है आप प्लान करके चलो, बट इतने लॉन्ग टर्म के लिए प्लान मत करो। और उसमें भी प्लान बी या फिर एक माइंड में रखो कि यार ये चीज़ फेल हो सकती है, ठीक है। तो उसमें एकदम डिसहार्टन वाली फीलिंग, मैं तो हमेशा अपना एक पॉजिटिव माइंडसेट होता है, बट बैक ऑफ द माइंड एक चीज़ ये रहती ज़रूर है मेरे माइंड में कि अगर इन केस ये चीज़ फेल होती है तो आगे क्या, ताकि उस टाइम पे जब एक्चुअल में अनफॉर्चुनेटली वो चीज़ फेल हो जाती है या सही नहीं निकलती है, तो आप डिसहार्टन ना हो, आप टूट ना जाओ, आप, क्योंकि तब आप तैयार रहते हो कि अच्छा ये नहीं हुआ ना, तो जो मैंने प्लान बी सोचा हुआ था अब मैं वो फॉलो करूँगी। तो इसी अप्रोच के साथ आप लोगों को भी चलना है, अपना डेडिकेशन पूरा देना है। 3 मंथ्स लेफ्ट हैं अपना सीएस एग्ज़ाम में, दिसंबर वाले में, अच्छे से करनी है। जो बच्चे मेरा प्लानर देख रहे हैं, मुझे बहुत मैसेजेस आते हैं कि मैम बहुत प्रैक्टिकल जो आपने स्टडी प्लान बनाया बहुत प्रैक्टिकल है और कॉन्सेप्ट वाइज टॉपिक वाइज तो कोई स्ट्रैटेजी नहीं बताता है, राइट। तो आई होप ये सब चीज़ें फॉलो करके आप अचीव करोगे अपने ड्रीम को, और ऑल द वेरी बेस्ट। अगर स्टिल कोई डाउट सो आप सजेस्ट भी कर सकते हो कि मैं और किस टॉपिक्स पे वीडियो बनाऊं, या फिर किस तरीके की, यू नो, अब मैंने आपको बोला हुआ है कि मेरा सीएस प्रैक्टिस का जो व्लॉग है वो बहुत जल्द आने वाला है। सो बस ये है कि कुछ टाइम चाहिए मुझे वो व्लॉग शूट करने का, क्योंकि थोड़ा सा हैक्टिक रहता है, बट आई ट्राई। मोस्टली तो मैं काम अपने घर से ही कर रही हूँ, बट अगर हाँ कहीं जाना पड़ता है, किसी क्लाइंट से मीटअप होता है, तो आई होप आपको मेरा ये एक्सपीरियंस, यूनिक एक्सपीरियंस अच्छा लगा होगा सुनने में। एंड एट द एंड यही है कि यार जो भी चीज़ें आपने प्लान की हुई हैं, चाहे वो एग्ज़ाम हो या फिर आर्टिकलशिप ढूंढने वाली चीज़ हो या फिर कुछ और हो, एक्स वाई जी, आप उसको प्लान करो, बट बैक ऑफ द माइंड ये ज़रूर रखो कि अगर इन केस ये चीज़ वर्कआउट नहीं करती है तो वॉट इज़ द प्लान बी, ठीक है। अब बहुत लोग कहते हैं, उठ के बोलेंगे कि मैम ये तो पॉजिटिव नेचर रहना चाहिए। बेटा पॉजिटिव रहो, किसी ने मना नहीं करा, बट बैक ऑफ द माइंड यू शुड हैव योर प्लान बी, ठीक है। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड बाय बाय, टेक केयर, विल सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।